बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटे के निशान को प्रेस कर दीजिए। नाजरीन, आज की जो टिप है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है। छोटा सा काम है जो आपने करना है, उसके बाद जो है आपके, जैसे आपने थंबनेल देखा है, आपके जो सीज़र हैं या कैंची है या नाइफ चाकू वगैरह हैं या छुरियाँ हैं, तो अगर वो पुरानी हो जाती हैं, उन पर जंग लग जाता है या फिर वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं, तो वो कैसे हमने उनको ठीक करना है और एक छोटी सी चीज़ से, तो ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ले लेनी है अपने, आपके पास जो हैं सीज़र्स हैं और चाकू हैं उनको ले लेना है। उसके बाद आपने एक मैजिकल चीज़ लेनी है जो आपने उस पर लगानी है, उस चाकू और कैंची जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो आपने ले लेनी है रेगमाल, जिसको सैंड पेपर भी बोलते हैं, तो ये आपने ले लेना है। और आपने, और ये सैंड पेपर जो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो लकड़ी पे भी मारने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो पेंटर हजरात होते हैं जो कमरों वगैरह का पेंट करते हैं वो भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं वो भी ये पेपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला पेपर ले लेना है आपने, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, एक ही आप ले लें और ये काफ़ी अर्सा आपका चल जाएगा। आपने जो है इससे अपने कैंची को और चाकू को अच्छी तरह से मारना है, अच्छी तरह से उसको रगड़ना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल न्यू और चमकदार हो जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 2 है कि आपने उसको तेज़ कैसे करना है, सीज़र और चाकू को। तो आपने ऐसे करना है कि कैंची की जो अंदर वाली साइड है आपने उस पर रगड़ना है 4-5 मिनट, और फिर दूसरी साइड से जो अंदर वाली साइड है उससे आपने जो है उसको रगड़ना है, और थोड़ा सा जो उसका मुंह है, जिस तरफ उसका स्लोप जाती है उसी तरफ आपने उसको रगड़ लेना है। आप देखोगे कि आपके जो कैंची या चाकू है वो बिल्कुल जो है वो न्यू भी हो जाएगी और तेज़ भी हो जाएगी। इसका नंबर 2 तरीका ये है कैंची को तेज़ करने का, कि आपके हर घर में टैबलेट की जो साशे होते हैं, जो पैकेट होते हैं वो पड़े होते हैं, तो आपने क्या करना है कि जो बेकार टैबलेट्स हैं आपने अपने सीज़र से उनको काटना है। आप देखोगे कि चंद ही टैबलेट्स काटने के बाद, टैबलेट के जो साशे हैं उनको काटने के बाद आपका जो सीज़र है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको बर वक्त मिल सके। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।